जावेद के पास आम आदमी पार्टी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहां पर जश्न जरूर होगा जैसा हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं होगा। ये जश्न शायद फीका हो, ये जश्न हो, सुरक्षा बढ़ाई गई है, आप देखेंगे तस्वीरों में, ऐसा मजेदार नहीं होने वाला। स्वीप को लेकर उम्मीद कर रही थी बीजेपी, सैनिक बल के जवान भी मौजूद हैं, स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक जी हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बताएं कि आज रिजल्ट आने हैं और आम आदमी पार्टी अभी बढ़त बनाए हुए है, नेक टू नेक फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही है। आप देखेंगे तमाम जो पुलिस ऑफिसर हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, दीपेंद्र पाठक जो कि स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं वो खुद आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर पहुंचे हुए हैं और तमाम आला अफसर यहां पर मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर आप देखेंगे जहां कार्यकर्ताओं की जो पहुंचने का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है, यहां पर अभी नतीजे आ ही रहे हैं। दोनों पार्टी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नेक टू नेक फाइट चल रही है और कांटे का मुकाबला है। अब से थोड़ी देर बाद नतीजे आ जाएंगे और यहां आप देखेंगे सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि यहां जो ये मुख्य सड़क है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, यहां पर अमूमन ट्रैफिक भी रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए और तमाम व्यवस्था बनाने के लिए आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर, जब अगर आम आदमी पार्टी अगर जीतती है, पूर्ण बहुमत आता है तो वो उस वक्त क्या स्थिति होगी जब अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, तमाम व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां खुद मौके पर आला अफसरों के साथ दीपेंद्र पाठक पहुंचे हैं। अर्धसैनिक बल भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे जो यहां तैनात किए गए हैं। तो ये तस्वीर आम आदमी पार्टी के बाहर की। जी हाँ, तो 129 पर आम आदमी पार्टी बहुमत से सिर्फ 3 आगे है, बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 3 आगे है। सत्ता जैसा हम बार बार कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को मिल जाएगी एमसीडी में, लेकिन इज्जत पूरी बरकरार बीजेपी।